तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 23 अप्रैल के स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि कल की स्मैकडाउन का हिंदी प्रीव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस कल की स्मैकडाउन काफी बेहतरीन होने जा रही है। बात कर ली जाए स्मैकडाउन की पहली चीज की जो कि कल हमें देखने को मिलेगी, तो गाइस वो रहने वाली है 1-on-1 फाइट, जो कि होगी कोफी किंगस्टन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। एक नॉन टाइटल मैच है और बात की जाए कि क्या कुछ यहां देखने को मिलेगा, तो गाइस यहां कोफी किंगस्टन फाइट कर रहे होंगे पर उनके कॉर्नर पर आपको देखने को मिलेंगे केविन ओवंस और जेवियर वुड्स। वहीं दोस्तों बात की जाए शिंसुके की, शिंसुके के कॉर्नर पर होगी लाना और उनके पति यानी कि रूसेफ। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस मैच को कौन जीतता है और क्या इसका नतीजा रहता है। साथ ही साथ केविन ओवंस वहां किस रोल में नजर आते हैं, क्या वो हील टर्न करते हैं या फिर दोस्तों वो अभी जुड़े रहते हैं कोफी किंगस्टन के साथ, सारी चीजें कल ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरी चीज के ऊपर जो कि कल की स्मैकडाउन लाइव के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और यह है फिन बैलर के ऊपर अंद्रादे का अटैक। अब आप सोचेंगे कि अंद्रादे तो रॉ के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं। वेल, आपकी सोच बिल्कुल सही है, चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ लेटेस्ट खबर जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों अंद्रादे को फिर से स्मैकडाउन लाइव के अंदर पुट कर दिया गया है, जिसका रीजन ये है कि ज़ेलिना वेगा के पति यानी कि एलेस्टर ब्लैक है स्मैकडाउन लाइव के अंदर। साथ ही साथ जो अंद्रादे है उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि शार्लेट फ्लेयर भी है स्मैकडाउन लाइव के अंदर, तो ऐसे में जोड़ियां आपस में साथ ट्रेवल कर सकती है और इसमें WWE का ही फायदा है और WWE ने ये चीज कर दी है। लेकिन बात करी जाए इस चीज के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो गाइज इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है जो कि हो सकता है कायरी सेन और आस्का बनाम मैंडी रोज और सोनिया डेविल के बीच में। वेल, यहां आस्का और कायरी सेन के जलवे पिछले हफ्ते हमने देखे थे और इस हफ्ते फिर से ये एशियन जोड़ी अपना कमाल दिखा सकती है और एक बेहतरीन मैच पुट कर सकती है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने सेमी मेन इवेंट के ऊपर। तो गाइज सेमी मेन इवेंट के अंदर जो मैच रख दिया गया है वो काफी बड़ा है, प्रोबेबली इसे दोस्तों मेन इवेंट के अंदर भी रखा जा सकता है, और ये मैच है दोस्तों बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर 1-on-1। तो दोस्तों काफी बड़ा मैच है और यहाँ बेकी लिंच फेस करेगी अपनी ओल्ड राइवल यानी कि शार्लेट फ्लेयर को। जब भी इनका मैच हुआ है काफी बढ़िया मैच हुआ है और कल फिर से आपस में टकराएगी। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन इस मैच को जीतता है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने मेन इवेंट के ऊपर। तो गाइज मेन इवेंट बहुत बड़ा होगा, प्रोबेबली दोस्तों इसे बीच में भी रखा जा सकता है, और यहाँ दोस्तों जो चीज़ एडवर्टाइज की जा रही है वो है विंस मैकमैन का रोमन रेंस को फायर करना। तो इस चीज़ के बारे में पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, कल की स्मैकडाउन के अंदर चीज़ें इस तरीके से जताई जा रही है कि विंस मैकमैन कर सकते हैं आपके रोमन रेंस को फायर। रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों पिछले हफ्ते की स्मैकडाउन जहां रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच जड़ा था WWE के मालिक यानी कि विंस मैकमैन को, तो ऐसे में सजा मिलनी तो लाजमी है। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहां उन्हें फायर किया जाएगा, प्रोबेबली दोस्तों उन्हें किसी ऐसे मैच में डाला जा सकता है जहां कंडीशंस उनके विपरीत हो, जैसे कि कोई हैंडीकैप मैच या फिर दोस्तों ऐसा मैच जो कि हो गॉन्टलेट, जिसके अंदर एक एक करके हील सुपरस्टार्स आएंगे और रोमन रेंस से फाइट करेंगे। यहां उनसे फाइट कर सकते हैं लॉर्ड सुलेवन, अलायस, एरिक रोवन, कई हील सुपरस्टार्स हैं जो वहां रोमन रेंस को पीटना पसंद करेंगे। और कल की स्मैकडाउन के अंदर आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगी कि रोमन रेंस वहां सजा का पात्र बनेंगे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों रोमन रेंस फायर होंगे शायद ये चीज ना हो, वेल वो तो कल ही पता लग पाएगा। लेकिन दोस्तों क्या रोमन रेंस को WWE को फायर करना चाहिए कि नहीं, आज के कमेंट बॉक्स में इस चीज का जवाब देना मत भूले। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।